हेलो गाइज, वेलकम बैक टू HR राइटिंग। तो इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ कैसे आप इस तरीके से इंस्टाग्राम में स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो गाइज, आपको इंस्टाग्राम ओपन करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको फोटो ऐड करना पड़ेगा। फोटो ऐड करने के बाद आपको इस फोटो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। टेक्स्ट में आने के बाद आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना होगा। टेक्स्ट में आने के बाद आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और उस बॉक्स में आपको अपने फ़ोटो को ऐड करना चाहिए। फोटो ऐड होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना पड़ेगा। इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके आपको टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट ऐड होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना चाहिए और इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और इस लाइन को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना चाहिए। इस तरीके से लाइन एडजस्ट होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके फाइव लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस लाइन को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना चाहिए। कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इस फोटो को आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद आपको उसी फ़ोटो को फिर से ऐड करना होगा। फ़ोटो ऐड होने के बाद आपको फिर से यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके ड्रॉ में आना होगा। ड्रॉ में आने के बाद आपको इस ब्रश को यूज़ करके कुछ इस तरीके से डॉट करना होगा। डॉट होने के बाद आपको राइट क्लिक करके बैक आना पड़ेगा। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टोरी क्रिएट हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हमारा सेकेंड स्टोरी पर। तो गाइज, सेकेंड स्टोरी बनाने से पहले इस वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो गाइज, आपको सेकेंड स्टोरी में क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से अपने फोटो को जूम कर लेना चाहिए। फोटो एडजस्ट होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। टेक्स्ट में आने के बाद आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और इस लाइन को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना चाहिए। लाइन एडजस्ट होने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके ड्रॉ में आना होगा। ड्रॉ में आने के बाद आपको कलर चूज़ करना होगा। कलर चूज़ करने के बाद आपको इस ब्रश को चूज़ करके स्क्रीन पर होल्ड करके रखना है और छोड़ देना है और यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आना पड़ेगा और फिर से यहाँ आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके ड्रॉ में आना होगा। ड्रॉ में आने के बाद आपको इस ब्रश को चूज़ करके आपको कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है। कुछ इस तरीके से इरेज करने के बाद आपको राइट क्लिक करके बैक आना पड़ेगा और फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना पड़ेगा। टेक्स्ट में आने के बाद आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। उस बॉक्स में अपने फ़ोटो को ऐड कर लेना चाहिए। बॉक्स में फ़ोटो ऐड होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना होगा और इस फॉन्ट को यूज़ करके आपको टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड स्टोरी क्रिएट हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हमारा थर्ड स्टोरी पर। तो गाइज, आपको थर्ड स्टोरी में अपने फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस फॉन्ट को यूज़ करके बॉक्स बनाना पड़ेगा और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से बॉक्स एडजस्ट होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना होगा। उसी तरीके से आपको वाइट बॉक्स क्रिएट करना होगा और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से बॉक्स एडजस्ट होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना होगा और इस बार आपको बॉक्स बना के उस बॉक्स में अपने फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना होगा और इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट ऐड होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना होगा और इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और इस लाइन को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है।
तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा थर्ड स्टोरी भी क्रिएट हो चुका है, तो आप भी इसी तरीके से अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।